नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। नागरिकता कानून पर भ्रम दूर करने के लिए बीजेपी जन जागरण अभियान चला रही है। बीजेपी के दिग्गज नेता यूपी में रैलियां कर जनता के भ्रम को दूर करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज अमित शाह लखनऊ में रैली करेंगे। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। अरे भाई, हुबली दारवाल वालों की ऐसी आवाज होती है क्या? इस सीए का विरोध करने वाले बहरे कानों तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, सीए के समर्थन की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। और आज इस ऐतिहासिक भूमि के ऐतिहासिक मैदान पर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे हृदय के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर एक जन जागरण अभियान, जन जागृति अभियान शुरू किया है। क्या है जन जागृति अभियान? मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने एक के बाद एक देश के कई सारे ऐसी समस्याएं जिनको 70 साल से कोई हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता था, उसका समाधान लाने की शुरुआत की। अभी पार्लियामेंट के अंदर एक कानून पारित हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। क्या है सिटीजनशिप अमेंडमेंट? ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर वहां की सरकारों ने जिनको सुरक्षा नहीं दी, वो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन शरणार्थी जो भारत के अंदर आए, उनको नागरिकता देने का ये बिल है। और ये बिल इसलिए लाना पड़ा मित्रों। आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर। हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।